सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक क्रांच चैनल को और बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्नोविक क्रांच में आप सभी का स्वागत है। फाइनली रियलमी 8 4G के अंदर रियलमी UI 3.0 का C.06 का स्टेबल अपडेट जो है रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और इस अपडेट को करने के बाद क्या कुछ नए चेंजेस देखने को मिलता है और ये अपडेट कौन कौन से यूजर को देखने को मिलेगा और कौन से बग्स फिक्स हुए हैं, साथ ही क्या है इसका अपडेट लॉग, सभी कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर Realme वालों ने अपने Realme 8 के अंदर Realme UI 3.0 का स्टेबल अपडेट जो है रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर चुका है और ये अपडेट सभी यूजर को देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जो ऑलरेडी ट्रायल वर्जन या बीटा अपडेट में है उसको यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलेगा और उसके बाद जो है बैच वाइज सभी यूजर को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं Realme 8 4G का मॉडल नंबर RMX3085 है और इस नए अपडेट का जो वर्जन है C.06 है और ये ऑफिशियल वर्जन है दोस्तों, स्टेबल अपडेट है। और इस अपडेट का जो साइज है 1.08 GB का है। तो ये रहा इसका बेसिक सॉफ्टवेयर इंटरफेस और अब बात की जाए इसके अपडेट लॉग की। तो यहाँ पर अपडेट लॉग में सबसे पहले चेंज की बात करें तो सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 12 देखने को मिलता है और साथ ही March 5th, 2022 के साथ करेंट मंथ का लेटेस्ट इनहेंस एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेज देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर सिस्टम में जो भी छोटे मोटे नॉन इशू थे, बग्स वगैरह देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके पूरे के पूरे सिस्टम परफॉर्मेंस और उसके ओवरऑल सिस्टम स्टेबिलिटी को ऑप्टिमाइज एंड इम्प्रूव किया है, जिससे कि और भी बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। साथ ही दोस्तों, कभी कभी जो है एप्स ओपनिंग क्लोजिंग में लैगिंग इशू देखने को मिलता था, प्रॉपरली एप्स जो है ओपन नहीं हो पाता था, क्लोज नहीं हो पाता था, तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के थ्रू फिक्स कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो यहाँ पर दोस्तों, जो ट्रायल वर्जन और बीटा अपडेट के बाद जो है कुछ कुछ थर्ड पार्टी एप्स में जो नोटिफिकेशन आता है या फिर मैसेज वगैरह आता है उसका जो नंबरिंग है या फिर कहिए कि जो डॉट का निशान रहता है, नंबर वगैरह है, वो प्रॉपरली शो नहीं हो पाता था कि कितना मैसेज आया है, वो यहाँ पर शो नहीं होता था कुछ कुछ थर्ड पार्टी एप्स में, तो उसको इस अपडेट के थ्रू फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब मैसेज वगैरह आता है तो यहाँ पर आपको ऊपर में नंबर्स शो होता है, तो इस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के थ्रू फिक्स कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज या बग्स की तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, सिस्टम सेटिंग में 100 मोड। यहाँ पर दोस्तों, जो 100 मोड है उसको आप केवल फुल स्क्रीन गेस्चर मोड में ही यूज कर सकते हैं, आप वर्चुअल बटन नेविगेशन बटन में 100 मोड जो है यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है दोस्तों अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों हर यूजर जो है फुल स्क्रीन गेस्चर मोड यूज नहीं करते हैं, तो उसको जो है 100 मोड यूज करना है तो वो यहाँ पर कर नहीं पाते हैं। तो ये बग्स अभी तक है दोस्तों, अभी तक इसको Realme वाले फिक्स नहीं किया है। तो अभी आप 100 मोड यूज करना चाहते हैं तो आप केवल फुल स्क्रीन गेस्चर मोड में ही यूज कर सकते हैं। एंड गाइस, बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके बैटरी परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है काफी अच्छा देखने को मिलता है। जो ट्रायल वर्जन और बीटा अपडेट में काफी ज्यादा बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके बैटरी परफॉर्मेंस, बैटरी यूजेस को इम्प्रूव कर दिया है, जिससे कि आपको जो बैटरी बैकअप है, बैटरी यूजेस है, काफी अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो चार्जिंग स्पीड है वो भी यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज या फीचर्स की तो यहाँ पर दोस्तों, जो एंड्रॉयड 12 में मटेरियल यू का फीचर्स देखने को मिलता है वो यहाँ पर स्टेबल अपडेट के बाद फील करने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे डिजिटल वॉल्विंग में आपको मटेरियल यू का डिजाइन देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो प्राइवेसी डैशबोर्ड है यहाँ पर भी आपको मटेरियल यू का फीलिंग देखने को मिलता है।
साथ ही दोस्तों अगर आप कीबोर्ड वगैरह यूज करते हैं स्टॉक कीबोर्ड तो आपको यहाँ पर भी मटेरियल यू डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों Realme UI 3.0 के स्टेबल अपडेट के बाद जो है काफी जगह आपको मटेरियल यू का फीचर्स वगैरह फील करने को मिल जाएगा। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके गेम परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर जो गेम परफॉर्मेंस है काफी अच्छा देखने को मिलता है। जो ट्रायल वर्जन बीटा अपडेट में फ्रेम ड्रॉप इशू होता था, लैगिंग वगैरह काफी ज्यादा देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके गेम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दिया है, जिससे कि अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं गेम प्ले करते हैं तो आपको काफी स्मूथ और स्टेबल गेम प्ले देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो कैमरा के अंदर, यहाँ पर दोस्तों जो कैमरा एप्स हैं वो ट्रायल वर्जन बीटा अपडेट में कभी कभी जो है क्रेशिंग इशू देखने को मिलता था, तो उसको भी इस अपडेट के थ्रू फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है कैमरा एप्स यूज करते हैं तो। साथ ही दोस्तों जो कैमरा एप्स है उसमें फोकसिंग इशू देखने को मिलता था, लाइटनिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता था, तो उसको भी इस अपडेट के थ्रू फिक्स कर दिया है, जिससे कि अब काफी बेटर फोटो देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। तो ये रहा दोस्तों Realme 8 4G का फुल अपडेट लॉग चेंज लॉग। दोस्तों ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।